दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अपकमिंग मूवीज और वेब सीरीज के बारे में जो कि जुलाई के महीने में रिलीज होने वाली है। वैसे इस टॉपिक पर हम एक वीडियो पहले भी ला चुके हैं और उस वीडियो में भी हम 15 ऐसे ही वेब सीरीज और मूवीज की बात कर चुके हैं जो कि जुलाई के महीने में रिलीज होने वाली है। तो अगर आपको इस लिस्ट में कोई मूवी या वेब सीरीज मिसिंग लगे तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और अगर आप इस लिस्ट को पूरी तरह से जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शमशेरा एक अपकमिंग मूवी है और इस फिल्म का ट्रेलर हाल ही में रिलीज हुआ है। ये एक पीरियड एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे प्रोड्यूस कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा और इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं करण मल्होत्रा। फिल्म में आपको लीड रोल में देखेंगे रणबीर कपूर और इस फिल्म में उनका आपको डबल रोल देखने को मिलेगा, पहला शमशेरा का और दूसरा बल्ली का। साथ ही फिल्म में देखेंगे संजय दत्त, वाणी कपूर, आशुतोष राणा, रोनित रॉय। वैसे तो इस फिल्म को 2018 में ही अनाउंस कर दिया गया था लेकिन ये फिल्म कोविड की वजह से डिले हुई है। फिल्म में संजय दत्त आपको नेगेटिव किरदार करते हुए दिखेंगे और फिल्म में वो दरोगा सुध सिंह के रूप में दिखेंगे। फिल्म की कहानी सेट होगी 18th सेंचुरी के ऊपर और फिल्म की कहानी में एक डकैत को दिखाया जाएगा जो कि अपने लोगों के साथ मिलकर ब्रिटिश रूल के खिलाफ लड़ता है। फिल्म में आपको अच्छा एक्शन और थ्रिल देखने को मिलेगा, साथ ही फिल्म में आपको अच्छा इमोशन भी देखने को मिलेगा और ये फिल्म 22 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। मासाबा मासाबा सीजन टू नेटफ्लिक्स की एक अपकमिंग वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज का पहला सीजन 2020 में रिलीज हुआ था जो कि काफी सक्सेसफुल हुआ था। ये वेब सीरीज एक बायोग्राफिकल ड्रामा सीरीज है और सीरीज की कहानी है मासाबा गुप्ता की और इस वेब सीरीज में उनका किरदार निभा रही है वो खुद मासाबा गुप्ता जो कि एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर है और इस वेब सीरीज में उनकी लाइफ को दिखाया गया है। साथ ही सीरीज में आपको नीना गुप्ता भी देखने को मिलेगी जो कि उनकी रियल लाइफ मदर भी है। इस वेब सीरीज का पहला पार्ट काफी फेमस हुआ था और इसके दूसरे पार्ट में आपको कहानी वहीं से आगे देखने को मिलेगी जो कि 29 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। डॉक्टर अरोड़ा एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसे हाल ही में ही सोनी लिव ने अनाउंस किया है। वैसे इस वेब सीरीज की चर्चा काफी समय से है मगर फाइनली ये वेब सीरीज रिलीज होने जा रही है। वेब सीरीज को लेके आए हैं इम्तियाज अली और इस वेब सीरीज को डायरेक्ट कर रहे हैं साजिद अली। वेब सीरीज में कहानी है एक डॉक्टर और उसके क्लिनिक की जिसमें कई सारे कपल्स हेल्प के लिए आते हैं। साथ ही इस वेब सीरीज में आपको समाज के एक इम्पोर्टेंट इश्यू को भी दिखाया जाएगा। वेब सीरीज की कहानी आपको काफी अलग लगेगी, साथ ही इस वेब सीरीज में आपको अच्छी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी। ये वेब सीरीज 22 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। गॉन गेम सीजन टू एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसे हाल ही में अनाउंस किया गया है और इस वेब सीरीज के सीजन 2 को अनाउंस किया गया है। इसका पहला सीजन 2020 में वूट पर रिलीज हुआ था। इस वेब सीरीज में लीड रोल में थे संजय कपूर, रुखसर रहमान, अर्जुन माथुर, श्वेता त्रिपाठी और श्रिया पलगांवकर और वेब सीरीज की कहानी बेस्ड थी एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर। कहानी एक फैमिली की है, गुजराल फैमिली की, जो कि सीधे तौर पर इस मर्डर मिस्ट्री में इन्वॉल्व होते हैं। वेब सीरीज में आपको अच्छा सस्पेंस देखने को मिलेगा और इसके सीजन 2 को लेके भी दर्शक काफी एक्साइटेड हैं और इसका सीजन 2 7 जुलाई को वूट पर ही रिलीज होने जा रहा है। सास बहू और अचार Z5 की एक अपकमिंग वेब सीरीज है। इस वेब सीरीज को Z5 ने हाल ही में अनाउंस किया गया है और साथ ही इस वेब सीरीज का ट्रेलर भी आ गया है जो कि काफी दमदार लग रहा है। साथ ही इस वेब सीरीज की कहानी भी काफी इंस्पायरिंग लग रही है। वेब सीरीज की कहानी एक ऐसी महिला की है जिसका डिवोर्स हो गया है और उसके बच्चे भी उसके साथ नहीं रहते और उस समय जाके वो एक अचार का बिजनेस स्टार्ट करने की सोचती है जिसके लिए वो काफी मेहनत और स्ट्रगल करती है। वेब सीरीज में दिखाई जाने वाली कहानी आपको काफी पसंद आएगी। वेब सीरीज में लीड रोल में होंगे अमृता सुभाष, अनुप सोनी, यामिनी दास और अंजना सुखानी। वेब सीरीज में कुल 6 एपिसोड होंगे और ये वेब सीरीज 8 जुलाई को Z5 पर रिलीज होने जा रही है। आरके ये एक अपकमिंग कॉमेडी ड्रामा मूवी है। वैसे तो फिल्म 2021 में रिलीज हो गई थी लेकिन ये फिल्म कई सारे फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई थी और फाइनली ये फिल्म थिएटर में रिलीज होने जा रही है। फिल्म में लीड रोल में है रजत कपूर, मल्लिका शेरावत, रणवीर सोरी, कुबारा सेत और इस फिल्म में रजत कपूर आपको डबल रोल में दिखेंगे। हाल ही में ही ये अनाउंस किया गया है कि ये फिल्म थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है और ये फिल्म आपको थिएटर्स में 22 जुलाई को देखने को मिलेगी। मॉडर्न लव हैदराबाद Amazon Prime की एक अपकमिंग वेब सीरीज है और ये वेब सीरीज इंस्पायर है एक इंग्लिश वेब सीरीज से जिसका भी नाम था मॉडर्न लव। ये वेब सीरीज एक एंथोलॉजी वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज के हर एपिसोड में आपको एक नई कहानी देखने को मिलेगी या फिर यूं कहेगी एक नई लव स्टोरी देखने को मिलेगी। तो आपको लव स्टोरी बेस्ड वेब सीरीज पसंद है तो ये वेब सीरीज भी आपको काफी पसंद आएगी। हाल ही में ही मॉडर्न लव मुंबई रिलीज हुई थी जो कि काफी सक्सेसफुल हुई थी और इसके बाद मॉडर्न लव हैदराबाद का भी इंतजार था। ये वेब सीरीज भी 8 जुलाई को Amazon Prime पर रिलीज होने जा रही है। सूर्वी डिज्नी प्लस हॉटस्टार की एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसे हाल ही में ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अनाउंस किया है। वेब सीरीज की कहानी बेस्ड होगी भारत के कुछ जवानों के ऊपर। ये एक फिक्शनलाइज्ड मिलिट्री ड्रामा सीरीज है लेकिन कहानी इंस्पायर होगी रियल कहानी के ऊपर।
साथ ही इस वेब सीरीज में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के कुछ ऐसे जवानों की कहानी को दिखाया जाएगा जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। वेब सीरीज की अनाउंसमेंट के बाद से ही लोग इस वेब सीरीज को लेकर काफी एक्साइटेड हैं और ये वेब सीरीज भी 15 जुलाई को रिलीज होने जा रही है। तेरा छलावा एमएक्स प्लेयर की एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसे हाल ही में ही एमएक्स प्लेयर ने अनाउंस किया है। वेब सीरीज में आपको लीड रोल में दिखेंगी कविता कौशिक, संदीपा धार और समीक्षा भटनागर। ये वेब सीरीज एक सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज होगी और वेब सीरीज की कहानी में रिवेंज की कहानी को दिखाया जाएगा। तो अगर आप सस्पेंस थ्रिलर वेब सीरीज को पसंद करते हैं तो 7 जुलाई को ये वेब सीरीज भी आप एमएक्स प्लेयर पर देख सकते हैं। जुदा होके भी हाल ही में ही अनाउंस हुई एक अपकमिंग मूवी है और एक रोमांटिक हॉरर मूवी है जिसे लेके आ रहे हैं विक्रम भट्ट। साथ ही इस फिल्म में लीड रोल में दिखेंगे अक्षय ओबराय और एंद्रिता रॉय। साथ ही इस फिल्म को लिखा है महेश भट्ट ने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विक्रम भट्ट अपनी अच्छी हॉरर मूवी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आप इस फिल्म से और अच्छी हॉरर और रोमांटिक मूवी की उम्मीद कर सकते हैं। हाल ही में इस फिल्म के पोस्टर को भी लॉन्च किया गया है और ये फिल्म 15 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। रणवीर वर्सेस वाइल्ड नेटफ्लिक्स की एक अपकमिंग वेब सीरीज है और इस वेब सीरीज में रणवीर सिंह बियर ग्रिल के साथ जंगलों में घूमते और स्टंट करते हुए नजर आएंगे। बियर ग्रिल पहले भी कई सारी ऐसी वेब सीरीज ला चुके हैं जिसमें वो कई सारे सेलिब्रिटीज के साथ नजर आ चुके हैं। वेब सीरीज का कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा मैन वर्सेस वाइल्ड के ऊपर। तो अगर आप भी रणवीर सिंह के फैन हैं और शो को पसंद करते हैं तो ये वेब सीरीज आप भी देख सकते हैं। ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पे 8 जुलाई को रिलीज हो रही है। Ground to get down, either we can take this mountaineering line or we rappel straight off the cliff. मालिक आप, माई बाप आप, टायरोलियन। लड़की इंटर द गर्ल्स ड्रैगन राम गोपाल वर्मा की एक अपकमिंग मूवी है और इस मूवी को हाल ही में अनाउंस किया गया है। वैसे इस फिल्म के बारे में ज्यादा चर्चा तो नहीं है, लेकिन हाल ही में खबर आई है कि ये फिल्म बड़े स्केल पे चाइना में रिलीज होने जा रही है और इतने बड़े स्केल में चाइना में पहले कोई भी इंडियन फिल्म रिलीज नहीं हुई है और इसी खबर के चलते ये फिल्म भी काफी चर्चाओं में है। साथ ही फिल्म की कहानी एक लड़की की है जो की फिल्म में आपको काफी मार्शल आर्ट करते हुए नजर आएगी। ये फिल्म 15 जुलाई को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है। DC League Super Pets एक अपकमिंग मूवी है और एक एनिमेटेड मूवी है, साथ ही एक सुपर हीरो मूवी भी है। यानी फिल्म में आपको देखने को मिलेंगे सुपर हीरो के पेट्स, खास करके सुपरमैन का डॉग जिसके पास खुद भी कई सुपर पावर्स हैं। वैसे इस पेट के बारे में आपने डीसी कॉमिक में कई बार पढ़ा होगा और अब इसके ऊपर फिल्म आने जा रही है। ये फिल्म आपको 29 जुलाई को देखने को मिलेगी। कुंग फू पांडा द ड्रैगन नाइट नेटफ्लिक्स की एक अपकमिंग मूवी है। अगर आप कुंग फू पांडा मूवी के बारे में जानते हैं तो आपको पता होगा कि ये कॉमेडी मूवी है, साथ ही साथ ये बेहतरीन एनिमेटेड मूवी भी है। अब इसी मूवी सीरीज में एक अगली मूवी रिलीज होने जा रही है जिसे हाल ही में नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है और इस फिल्म में भी आपको अच्छा मार्शल आर्ट और कॉमेडी देखने को मिलेगी और ये फिल्म 14 जुलाई को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। इंडियन प्रेडेटर नेटफ्लिक्स की एक अपकमिंग वेब सीरीज है जिसे हाल ही में ही नेटफ्लिक्स ने अनाउंस किया है। ये नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री वेब सीरीज है जिसमें कहानी है एक ऐसे मर्डर मिस्ट्री की जो कि दिल्ली में हुआ था, जिसमें एक आदमी ने एक एक करके कई सारे लोगों को मारा था और साथ ही पुलिस की हालत खराब हो गई थी इस केस को सॉल्व करने में। तो इसी कहानी के साथ 20 जुलाई को नेटफ्लिक्स पे आपको ये वेब सीरीज देखने को मिलेगा। तो अगर आपको सस्पेंस वेब सीरीज पसंद है तो 20 जुलाई को ये वेब सीरीज आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन सभी मूवीज और वेब सीरीज में से आप किस मूवी और वेब सीरीज का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद।